नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। एक सुविचार से जो है अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अर्थात यदि आप अपने सपनों को सफल बनाना चाहते हो तो आपको केवल बातें ही नहीं करनी पड़ेगी, रातों से लड़ना अर्थात आपको काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी आप अपने सपनों को सफल बना सकते हैं। बच्चों आज मैं आपके सामने एक चित्र लाई हूँ और इस चित्र से हमने क्या सीख रहे हैं, हमको क्या समझ रहा है, यह जानना है। इसे कहते हैं चित्रवाचन। चित्रवाचन करके अपने शब्दों में बताना, चित्रवाचन करके कहानी अपने शब्दों में बताना, ऐसा हो सकता है दो। तो आज मैं इस चित्र के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि देखिए यहाँ पे पहले चित्र में क्या, तीन चित्र है, पहला, दूसरा और एक तीसरा। तो बच्चों इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है कि एक जंगल जैसी जगह है, जंगल हो सकता है, बगीचा हो सकता है, वहाँ पे बहुत कचरा है। वहाँ पे लोगों ने क्या किया, बहुत कचरा कर दिया है, मतलब चीज़ें खाई और वहीं फेंक दिया। जैसे बॉटल दिख रही है, बॉक्सेस दिख रहे हैं, बकेट दिख रही है, मतलब क्या है कि लोगों ने अपनी प्रकृति को गंदा किया, बहुत गंदा किया, और वह यह नहीं जानते कि हमारे लिए कितने हानिकारक है। तो वहाँ कुछ बच्चे पिकनिक मनाने आए होंगे तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ इतना गंदा है, तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से एक बोरी लाई और उस परिसर को साफ़ करने का प्रयत्न किया, कोशिश की कि वह बहुत जो कचरा है सब एक जगह भरे ताकि वह साफ़ सुथरी जगह हो जाए और अपना पर्यावरण बच जाए। बच्चों और फिर देखिए उन्होंने क्या किया कि पहले चित्र में आपको कुछ जानवर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वहाँ गंदगी है। गंदगी होने से क्या होता है कि प्राणी और कोई भी वहाँ नहीं जाता। फिर उन्होंने साफ़ किया और दूसरे इसमें देखो वहाँ पर कुछ हिरण, गिलहरी, बटरफ्लाई, मतलब ये पर्यावरण है बच्चों, हमारा नेचर है और हमें अपने नेचर को गंदा नहीं करना चाहिए। यह चित्र हमें यही सिखाता है। पहले चित्र से हम क्या सीखते हैं कि हमें हमारे प्रकृति को गंदा नहीं करना चाहिए, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। दूसरे में क्या करना चाहिए कि अगर हमें कचरा दिख रहा है तो उसे उठाकर हमें साफ करना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और वह गंदा ना हो। और तीसरे में देखिए बच्चों कि हमारी प्रकृति जो जानवर है उन्हें भी यह कचरा और प्रदूषण क्या करता है, हानि पहुंचाता है, तो हमें यह नहीं करना चाहिए। अब बच्चों जिस तरीके से मैंने बताया, हो सकता है कि आप इससे कुछ अलग सोच सकते हो, इससे जुड़ी कुछ अलग बातें बता सकते हो। तो हमारे सोचने की शक्ति और बोलने की शक्ति दोनों अलग अलग होती है, पर यह क्या है बच्चों, एक चित्रवाचन है कि चित्र हमें क्या समझाता है, क्या सिखाता है और हम उससे क्या समझते हैं। तो बच्चों अब मैं अगली कक्षा में आपको एक स्टोरीज़ के पिक्चर्स दूंगी और आप लोग, हम लोग लाइव सेशन में ये चीज़ करने वाले हैं कि मैं वो पिक्चर दिखाऊंगी और आपको उससे जुड़ी स्टोरी बोलनी पड़ेगी, ठीक है। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।